नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। जिला पुलिस की इन दिनों नकली बम रखने वालों ने जमकर क्लास लगा रखी है। एक माह में चौथी जगह बम मिलने की जानकारी से पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के हाथ पांव फूल उठे हैं। हालांकि पुलिस को भी अनुमान हो गया है कि किसी शरारती तत्व के द्वारा भय पैदा करने की नीयत से ये नकली बम रखे जा रहे हैं, लेकिन जिला पुलिस के मुखबिर और साइबर की पोल खुल गई है। असामाजिक तत्वों के द्वारा एक माह में 3 थाना क्षेत्रों में बम रख कर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं और ऐसे में पुलिस के आला अधिकारी मौका मुआयना करने के अलावा और कुछ कर नहीं पा रहे। पुलिस का मुखबिर और साइबर तंत्र बिल्कुल फेल होता हुआ नजर आ रहा है। एक माह पहले ही सुहागी थाना क्षेत्र में बम मिलने की खबर शुरू हुई, उसके बाद मनगवा थाना के आम्बी गांव गगेर चौकी अंतर्गत और अब मऊगंज थाना क्षेत्र में नकली बम मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। मान लें कि असामाजिक तत्वों के द्वारा नकली बम रखे जा रहे हैं, वहीं अगर ये बम असली होते तो पुलिस इनसे कैसे निपटती? जब तक DBS दस्ता मौके पर पहुंचता तब तक बम इंतजार करता। अगर कोई बड़ी घटना घट जाती तो क्या जिला पुलिस आरोपियों को पकड़ पाती? यह असंभव ही दिख रहा है। शनिवार को मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेहरी ब्रिज के नीचे रखे बम की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने BDS दस्ते को सूचना दी तो टीम ने उक्त बम को जब्त कर नष्ट कर दिया है। लेकिन सवाल यही है कि एक माह से असामाजिक तत्वों के द्वारा पुलिस को खुली चुनौती दी जा रही है और पुलिस हाथ पर हाथ रखे हुए बैठी है। अब तो जिले में भी यह चर्चा है कि आए दिन पेपरों में फोटो छपवाने वाली पुलिस मुखबिरी और बहादुरी का अपने आप को तमगा लगाने वाले किसी भी बड़ी वारदात से निपटने में असफल है। हाय हाय, अरे बम चालू है यार, मैं 5 लाख टाइमर देख लिया। ले बहादुरी की नाम तो है, इनके मिली डिफ्यूज कर, डिफ्यूज कर दो, डिफ्यूज बोल गया। जाम लगा हुआ है नेशनल हाईवे आविक पास या बाईपास से आगे जाने नहीं दे रहे, आपको दिखा रहे हैं। ये पुलिस लगी हुई है आगे, करीब 7:15 बजे के आसपास हमारे 100 डायल को सूचना आई थी कि पटेरी के अंडर पास पर एक बमनुमा डिवाइस रखी हुई है रेड कलर की, जिसमें तार वार कुछ लगे हुए हैं। उस पर हमारी तरह 100 डायल पर उसके बाद थाने का बल पहुंच के देखा कि हाँ, इस तरह की कोई डिवाइस लग रही है जिसमें बमनुमा टाइप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। उन्होंने तत्काल ट्रैफिक को रोका, डाइवर्ट किया, साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। SP साहब के द्वारा तत्काल BDS की टीम रवाना की गई, साथ में मुझे भी जानकारी मिली थी, मैं भी आ गया था। हमारी BDS टीम के द्वारा उस डिवाइस को डिफ्यूज़ कर दिया गया और देखा कि वो डमी बम था, जैसा कि पहले की भी घटनाओं में निकल के आया था। और इस संबंध में सभी टीमें, जिसमें हमारी साइबर सेल की टीम, ATS की टीम और बाकी सब दूसरी एजेंसियां जो इस काम को करती हैं, लगातार लगी हुई हैं लोकल पुलिस के साथ में। हम लगातार UP पुलिस के संपर्क में भी हैं और वहाँ की भी इंटेलिजेंस के माध्यम से उनके इस संदिग्ध के बारे में जानकारियाँ लगातार पता की जा रही हैं और ये जल्दी पकड़ा जाएगा। कोई पत्र भी मिला है? हाँ, एक पत्र मिला है, उसमें उस संबंध में जानकारी अभी देना उचित नहीं है, इसके बारे में आप लोगों को बाद में अवगत कराया जाएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया, मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा।